सब्सक्राइब कीजिएगा माय यूट्यूब चैनल जुल्फकार अली को और दबाइए इस बेल आइकन को जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बिल्कुल फ्री। हेलो गाइस, मैं हूं जुल्फकार अली। आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपना वोटर लिस्ट में नाम सर्च कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने नेम से अपनी वोटर लिस्ट में नाम सर्च कर कर देख सकते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम फीड है या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद इसके सर्च बार पर आपको क्लिक करना है। सर्च बार पर आपको सर्च करना है ECI.NIC.IN। दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, इसको आपको सर्च कर लेना है। चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों, सर्च करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आ जाएगा। ये भारत निर्वाचन आयोग की ये आप वेबसाइट देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको डेस्कटॉप साइट पर करना है। तो आपको ये थ्री डॉट्स दिख रही हैं, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये डेस्कटॉप साइट की तरह ये अपनी साइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे आके जूम करना है। जूम करने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सर्च नेम इन वोटर लिस्ट। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये साइट ऐसा हो जाता है कि बाई चांस ओपन नहीं होती है, तो आपको दोबारा से कोशिश करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपके में फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो सकता है आपके में भी यही प्रॉब्लम आए, तो आपको ये दोबारा से रिप्ली कोशिश करना है, तो आपकी ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इसको डेस्कटॉप साइट पर दोबारा कर लेता हूँ। डेस्कटॉप साइट पर ये हो गया है दोस्तों। अब आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको जिस किसी की भी आपको वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो उसका यहाँ पे नाम डालना है। चलिए दोस्तों, मैं अपने भाई का नाम डाल लेता हूँ। मैं चलिए यहाँ पर फ़हीम के नाम से देख लेता हूँ कोई आईडी वोटर लिस्ट में। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे स्टेट डालना है। आप जिस किसी भी स्टेट से आते हैं आप उस स्टेट को डालिएगा, मैं उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप सॉरी दोस्तों, ये स्टेट डाल लिया। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको अपनी जो भी विधानसभा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड को भरना है। सेम भरिएगा कैप्चर कोड, जिस तरीके से ये स्मॉल या लेटर जैसे भी आपको ये अक्षर दिखें उसी हिसाब से आपको इसको भरना है। दोस्तों चलिए मैं ये कैप्चर को डाल लेता हूँ। कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पे खोजे सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। ये मेरा कैप्चर थोड़ा गलत हो गया तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अब मैं इसको सर्च कर देता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो मतलब इसी नाम के वोटर लिस्ट हैं में नाम जिनके चढ़े हुए हैं सारे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी आ चुके हैं इसी नाम से, जिस नाम से मैंने ये सर्च किए थे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स, यहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे EPIC नंबर, नेम, एज, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये पोलिंग बूथ और ये आपका विधानसभा और ये आपका डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट का जो डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो आपको जैसे भी आपका नाम मिल जाए, फादर नेम और आपका मतलब कि आपका वोटर लिस्ट में नाम देखने के बाद आप यहाँ से इसको व्यू डिटेल्स भी कर सकते हैं। व्यू डिटेल करने के बाद आप यहाँ पर पूरी डिटेल भी ले सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। डिटेल आने के बाद आप चाहें तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पास अगर वोटर लिस्ट की पर्ची नहीं आती है तो आप इसको यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन आ रहा है मतदाता सूची प्रिंट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।